हेलो एवरीवन, मार्केट ट्रैफिक के इस यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन, जो कि NISM इक्विटी डेरिवेटिव सीरीज 8 का फोर्थ चैप्टर है, जिसमें कि हम बात करेंगे ऑप्शंस के बारे में, जो कि एक ट्रेडर के लिए, स्टूडेंट के लिए या उस व्यक्ति के लिए जो कि इक्विटी डेरिवेटिव की इस 8 सीरीज प्रिस्क्राइब बाय NISM क्लियर करना चाहता है, तो ये वीडियो आपके लिए और ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम बात क्या करेंगे, हम बात करेंगे ऑप्शंस क्या है, इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस के ऑप्शन कैसे बने, ऑप्शन का बेसिक नेचर क्या है, कॉल इनपुट ऑप्शंस होता क्या है, आपको इसको यूज कैसे करना है, वेरियस पे ऑफ ऑप्शंस में पे ऑफ कैसे कैलकुलेट होता है। सो दीज आर दी ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो इस पर्टिकुलर वीडियो का पार्ट रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो और से मार्केट साथी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे। सो समय ज्यादा वेस्ट ना करते हुए हम सीधी बात करते हैं इक्विटी डेरिवेटिव के फोर्थ चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस में, कि हम पर्टिकुलरली केवल और केवल कॉल एंड पुट ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सो आपके सामने स्लाइड नजर आ रहा होगा, फ्रेंड्स इस स्लाइड पर हम लोग अभी क्या डिस्कस करने वाले हैं, वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस। बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस के साथ साथ हम बात करेंगे पे ऑफ चार्ट ऑफ ऑप्शंस। पे ऑफ चार्ट ऑफ ऑप्शंस के साथ साथ हम बात करेंगे प्राइसिंग कैसे डिसाइड होता है ऑप्शंस का। ऑप्शंस की प्राइसिंग के बेसिकली दो मॉड्यूल यहाँ पर है, बाइनोमियल मॉड्यूल एंड वन इज ब्लैक-स्कोल मॉडल। अब ये जो दो मॉडल है उतना डिटेल में बुक में नहीं दिया गया है, एंड ना ही उतना इंपॉर्टेंट होता है बीइंग अ ट्रेडर एंड दी और से इफ यू आर अ ट्रेडर और इफ यू आर अ फाइनेंस एस्पिरेंट और NISM की इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो बेसिकली आपको एक क्रक्स समझना होता है कि बेसिकली ये मॉडल है क्या। उसमें मेजरली यहाँ पर ऑप्शन ग्रीक्स पे ज्यादा फोकस है, कि हम लोग मैं भी इस पर्टिकुलर वीडियो में जो डिस्कशन करूंगा वो ऑप्शन ग्रीक्स पे थोड़ा फोकस रहेगा। देन यूज ऑफ ऑप्शन, क्या आप इस ऑप्शन को यूज कैसे करते हैं, कौन लोग हैं वो जो ऑप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, या किस तरह से यूज करना है, क्या स्पेकुलेशन जो हम लोग करते हैं ऑप्शन कॉल एंड पुट में वो सही है गलत है, इसके बारे में फुल डिटेल इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस होने वाला है। सो लेट्स डिस्कस विद द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग की इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्शंस। नाउ व्हाट इज ऑप्शंस, एज वी डिस्कस इन लास्ट वीडियो, मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में ही बोला है कि डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव आर द इंस्ट्रूमेंट्स जो कि अंडरलाइंग असेट से डिराइव्ड है। सिमिलरली ऑप्शंस भी एक डेरिवेटिव है फ्रेंड्स। सो ऑप्शंस और डेरिवेटिव है, ये ऑप्शंस दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन और एक है पुट ऑप्शंस। अभी कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस क्या है इस पे भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले डिस्कस करते हैं ऑप्शंस एक्चुअली है क्या। ऑप्शन इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैसा, कि से लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जहां पर दोनों पार्टी को ऑब्लिगेशंस था। से फ्यूचर्स की बात करूं तो से मैं अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूं एक स्पेसिफिक प्राइस पर, स्पेसिफिक क्वांटिटी पर एंड स्पेसिफिक क्वालिटी एंड टाइम पर मैं एक पर्टिकुलरली एक ट्रेड और से ट्रांजेक्शंस और से कॉन्ट्रैक्ट को मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूं। तो ये यहां पर इसके लिए बायर जो कि कॉन्ट्रैक्ट में बाय करे और एक सेलर जो कॉन्ट्रैक्ट में सेल करे, दोनों को ऑब्लिगेशंस होता है कि उन्हें स्पेसिफिक प्राइस पर, स्पेसिफिक क्वांटिटी एंड स्पेसिफिक टाइम पर डिलीवर करनी है या फिर रिसीव करनी है बाय गिविंग पेमेंट्स और से पे आउट कंप्लीट करना। दिस इज द ऑब्लिगेशन फॉर बोथ पार्टीज, बायर एंड सेलर। बट जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शंस थोड़ा डिफरेंट है। यहां पर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में क्या है कि जो बायर ऑफ ऑप्शंस है वहां पर बायर ऑफ ऑप्शंस के पास राइट होता है कंपेयर टू सेलर ऑफ ऑप्शंस। आपके राइट और ऑब्लिगेशंस क्या है, सेलर को ऑब्लिगेशंस होता है और बायर को राइट होता है। नाउ व्हाट इज दिस, लेट मी गिव एन एग्जांपल। अभी एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। से आपको एक पर्टिकुलरली एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है अपने घर पर, एंड नाउ फॉर दैट इवेंट आप किसी इवेंट मैनेजर को हायर करते हैं। अब इवेंट मैनेजर को हायर करने के बाद आप इवेंट मैनेजर को एक प्रीमियम पे कर देते हैं और उसे एक टोकन मनी दे देते हैं कि यस यू आर हायर्ड फॉर अ स्पेसिफिक डेट, एंड उस स्पेसिफिक डेट पर आपको एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है और उसका जो फीस है या जो उसका जो यू कैन से जो पेमेंट्स मोड है और जो कमर्शियल है वो डिसाइड करने के बाद उसे एक टोकन मनी दे दी जाती है। नाउ दिस टोकन मनी जो आपने दी है ये देने के बाद आपका उस इवेंट मैनेजर पर राइट हो जाता है। वहीं अगर बात करूँ इवेंट मैनेजर की, तो इवेंट मैनेजर ने चूंकि टोकन मनी ले लिया है, रिसीव किया है, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो इवेंट मैनेजर पे ऑब्लिगेशन होता है कि आपके यहाँ पर वो उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेगा। Now this is basic difference between future and options. Options providing a right to buyer of options. Being an event manager, एक event manager जो है token money receive करता है, मतलब वो अपना जो contract में entry कर रहा है वो अपनी services को sell कर रहा है, तो वो sell करने के लिए उसने क्या किया, एक premium acquire कर लिया है and इस premium से वो obligations में आ जाता है। Similarly जिस व्यक्ति ने event organize करवाने के लिए premium pay किया है वो एक particularly contract में buyer बन जाता है एंड वो उस पर्टिकुलर इवेंट मैनेजर पर अपना राइट खरीद लेता है। So this way, options का भी वैसा ही है। Options क्या करता है? से मैं अगर Reliance को खरीदना चाहता हूँ,
तो मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूँ, या तो मैं रिलायंस स्पॉट पे जाकर खरीद लूँ, बट नाउ आई डू नॉट वॉन्ट टू बाय राइट नाउ, बट देन मैं क्या करूंगा, रिलायंस का एक स्पेसिफिक प्राइस पर कॉल ऑप्शन खरीद लेता हूँ, उसके लिए मैं प्रीमियम पे कर देता हूँ। नाउ मैंने प्रीमियम पे किया है बीइंग अ बायर ऑफ अ कॉल ऑप्शन और अ रिलायंस, तो यहाँ पर जिसने प्रीमियम लिया है या जो प्रीमियम रिसीव किया है, और से द पर्सन हु गोइंग टू रिसीव दैट प्रीमियम इज इन ऑब्लिगेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर एक व्यक्ति को राइट है, एक व्यक्ति को ऑब्लिगेशंस है। कंपेयर टू दिस, हमने जो फ्यूचर्स में बात किया था वहां पर दोनों पार्टीज को ऑब्लिगेशंस था। सो दिस वे ऑप्शन इज बिट डिफरेंट फ्रॉम दी फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ, हम अब ऑप्शंस को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या किसी कमोडिटी पर समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले जो चीजें वो क्लियर कर लेते हैं। ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट गिव राइट टू बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बायर टू बाय और सेल। से मुझे कुछ चीज बेचना है तो उसका भी मैं कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन खरीद सकता हूँ, मुझे कुछ चीज खरीदना है तो उसका मैं कॉल ऑप्शन खरीद सकता हूँ। देन एक स्पेसिफिक डेट पर, स्पेसिफिक प्राइस पर और स्पेसिफिक क्वांटिटी का ट्रांजेक्शन डिसाइड होता है। नाउ से आई वॉन्ट टू बाय रिलायंस, रिलायंस 250 शेयर मुझे बाय करना है, बट राइट नाउ जो उस रिलायंस का प्राइस चल रहा है वो 2000 रुपीज चल रहा है। आई एम टेकिंग फिक्शनल एग्जाम्पल, मैं करंट मार्केट प्राइसेस नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, जस्ट टेकिंग फिक्शनल एग्जाम्पल के रिलायंस मुझे 2000 के रेट पे बाय, सॉरी 2000 चल रहा है और मुझे बाय करना है कि ये एक महीने बाद बाय करूँ, बट मुझे 2100 का रेट में मिले, तो उससे ज्यादा के भाव में मुझे नहीं मिले। सो वट वुड आई डू, मुझे 2100 का रिलायंस का कॉल ऑप्शन, एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट डेट जो उसमें लिखा रहेगा वो बाय करना होगा। सो दिस वे उसके लिए मुझे एक प्रीमियम अमाउंट पे करना होगा। नाउ प्रीमियम कुड बी 20 रुपीज, 30 रुपीज और कुछ भी हो सकता है। तो ये जो प्रीमियम है ये मैंने पे किया जस्ट टू बाय रिलायंस आफ्टर अ पर्टिकुलर डेट ऑन अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, और उस क्वांटिटी पर मैंने अपना प्राइस डिसाइड किया, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्राइक प्राइस। उस स्ट्राइक प्राइस का मुझे एक पर्टिकुलरली रिलायंस की क्वांटिटी मिल जाएगी। अब रिलायंस मान लीजिए 2200 चला जाता है, 2300 चला जाता है, 2400 चला जाता है, तब भी मुझे 2100 के भाव में रिलायंस मिलेगा। सर रिलायंस 2900 आ जाता है, सॉरी रिलायंस 1900 आ जाता है, या रिलायंस 1500 आ जाता है, तब मैं रिलायंस बाय नहीं करूंगा, बिकॉज मैंने राइट खरीदा था रिलायंस को 2100 पर बाय करने का। नाउ व्हाट इज हियर, 2100 का राइट है मुझे, 2100 के ऊपर है तो मैं बाय करूंगा, 2100 के नीचे रहता है तो मुझे मार्केट से ही अवेलेबल है रिलायंस 2000 में या 1900 में, तो वाई टू बाय ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर आई वुड से कि मैं उसे एग्जीक्यूट नहीं करने वाला, बिकॉज आई हैव अ राइट, बट अगेंस्ट टू मी द बायर के अगेंस्ट में सेलर जो है ऑप्शन का, वो उसके पास ऑब्लिगेशन है, वो ये ऑप्शंस उसके पास नहीं होता है। सो दिस वे ऑप्शंस में, यहाँ पर हम और डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। होप दिस पर्टिकुलर टॉपिक और द कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिलीवर किया। वहीं से मैं पुट ऑप्शंस की बात करूँ तो जो कॉल ऑप्शंस में एप्लीकेबल है उसके अगेंस्ट पुट ऑप्शंस हो जाता है। से मैंने 22000 के रिलायंस को मैं सेल करना चाहता हूँ और भाव मैं चाहता हूँ कि मुझे 1900 के से ज्यादा नीचे नहीं बेचना है, तो मैं 1900 का पुट ऑप्शन खरीद लेता हूँ। अब 1900 का जो पुट ऑप्शन है, उस पर्टिकुलर 1900 के पुट ऑप्शन को मैं एक पर्टिकुलर डेट पर स्पेसिफिक क्वांटिटी को सेल करने का राइट खरीद लेता हूँ, और उस राइट का प्रीमियम होता है 30 रुपीज। सो दिस वे रिलायंस अगर 1900 के ऊपर ऊपर रहता है तब तो मैं उसे एग्जीक्यूट नहीं करने वाला, तब मेरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा। बट रिलायंस 1900 के नीचे जाता है, 1800, 1700, 1600 जाता है, तब उस पर्टिकुलर ऑप्शन को मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, एंड देन आई कैन हैव एन एग्जीक्यूशन ऑफ 1900 कि मार्केट का भाव चल रहा होगा 1800, 1700, अब मुझे 1900 पे सेल करने का राइट मिल गया। सो दिस वे कॉल एंड पुट ऑप्शंस हुआ। अभी हम और सारे डिटेल्स में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले ये सारी चीजें जो मैं डिस्कस कर रहा था कि स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस, ये क्या है, सभी पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है इंडेक्स ऑप्शंस, दूसरा है स्टॉक ऑप्शंस, बायर ऑफ ऑप्शंस एंड सेलर ऑफ ऑप्शंस। इंडेक्स ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शन इज नथिंग बट यहाँ पर ऑप्शंस के लिए, ऑप्शन बेसिकली कमोडिटी का भी हो सकता है, इक्विटी का भी हो सकता है और सिमिलरली इंडेक्स का भी हो सकता है। यहाँ पर अंडरलाइन चेंज होता है। इंडेक्स ऑप्शन में अंडरलाइन है इंडेक्स, से निफ्टी 50 का ऑप्शंस, बैंक निफ्टी का ऑप्शंस, फिन निफ्टी का ऑप्शंस, तो यहाँ पर दिस इज इंडेक्स ऑप्शंस एंड सेंसेक्स बेस्ड ऑप्शंस। तो इंडेक्स ऑप्शन इज बेस्ड अपॉन इंडेक्स। से यहाँ पर मैंने जो कि एग्जांपल आपको लिया है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, ये क्या है, ये इंडेक्स ऑप्शंस है। इन पर इंडेक्स, बैंक निफ्टी, कॉल ऑप्शंस, बैंक निफ्टी, पुट ऑप्शंस, फिन निफ्टी, कॉल ऑप्शंस, फिन निफ्टी, पुट ऑप्शंस, कई सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं विद डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस। सो दिस वे वी गॉट इंडेक्स ऑप्शंस। अब यहां बात करें हम लोग स्टॉक ऑप्शंस की, तो सर रिलायंस हमने इंडेक्स को रिप्लेस कर दिया अब स्टॉक से, सो वी गॉट दी स्टॉक ऑप्शंस। सो स्टॉक ऑप्शंस में रिलायंस हो गया, एलटी हो गया, और से ऑरो फार्मा हो गया, और बीपीसीएल, ओएनजीसी, ये क्या है, सारे स्टॉक्स है। इन स्टॉक्स को मैं यूज करके ऑप्शंस को प्ले कर रहा हूँ, सो दैट इज व्हाट माय स्टॉक ऑप्शंस। अब यहाँ पे ऑप्शन बायर कौन है, ऑप्शन सेलर कौन है। ऑप्शन बायर वो
किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर प्रीमियम पे करके अपना राइट खरीदता है। अब स्टॉक को बेचने का राइट या स्टॉक को खरीदने का राइट दोनों सिमिलर है। यहां पर अगर मैं स्टॉक को बेचने का राइट खरीदना चाहता हूँ तो मुझे कॉल ऑप्शन खरीदना होगा। अगर मैं स्टॉक को खरीदने का राइट खरीदना चाहता हूँ तो मुझे कॉल ऑप्शन खरीदना होगा। वहीं अगर स्टॉक में मैं बेचने का राइट खरीदना चाहता हूँ तो मुझे पुट ऑप्शन खरीदना होगा। सो यहाँ पर एक बायर वो जो प्रीमियम पे करता है और वहां पर वो राइट खरीदता है। ऑप्शन सेलर जिसे राइटर बोला जाता है, राइटर वो जो प्रीमियम रिसीव करता है ऑन द एक्सरसाइज और से असाइनमेंट एंड देन ही हैज टू डिलीवर द असेट बिकॉज उसे ऑब्लिगेशन, आई मीन ही हैज टू डिलीवर द असेट बिकॉज उसे ऑब्लिगेशन है। सो राइटर वो जो प्रीमियम रिसीव करता है और बायर वो जो प्रीमियम पे करता है, राइटर को ऑब्लिगेशन होता है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना होगा अगर काउंटर पार्टी एक्सरसाइज करना चाहती है तो। सो दिस इज व्हाट बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, बायर ऑफ ऑप्शन एंड सेलर ऑफ ऑप्शन। अब और फर्दर चले तो अमेरिकन ऑप्शन एंड द यूरोपियन ऑप्शन। नाउ बेसिकली अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में यूरोपियन ऑप्शन बेसिकली यूज किए जाते हैं। जब भी हम कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन देखते हैं तो वहाँ पे सीई और पीई लिखा होता है, तो उसका मतलब होता है कॉल यूरोपियन एंड पुट यूरोपियन। सो अब ये यूरोपियन क्या है? यूरोपियन ऑप्शंस वो जिसमें कि जो एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शंस है वो एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शंस केवल और केवल एक्सपायरी डे पर होता है, उसके पहले नहीं होता है। जैसा कि हमारे इंडिया में गुरुवार लास्ट थर्सडे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को ऑप्शंस का एक्सरसाइज होता है इफ यू टॉक अबाउट द स्टॉक ऑप्शंस, और हर वीकेंड पर और से वीक के एक पर्टिकुलर डे पर से निफ्टी का जो है थर्सडे हो गया, बैंक निफ्टी वेडनेसडे हो गया, इन डे पर यहाँ पर एक्सरसाइज होता है। सो दिस इज व्हाट We can say, इसी पर्टिकुलर डे पर ये एक्सरसाइज हो सकता है, उसके पहले नहीं। सो व्हाट इज दिस यूरोपियन ऑप्शन जो कि इंडिया में यूज होता है, इसकी बात करो तो ऑनर ऑफ सच ऑप्शन कैन एक्सरसाइज द राइट ओनली ऑन द एक्सपायरी डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इन इंडिया इंडेक्स ऑप्शंस आर यूरोपियन ऑप्शंस एंड एज वेल एज स्टॉक ऑप्शंस आर आल्सो यूरोपियन ऑप्शंस। अभी बात करें अमेरिकन ऑप्शंस की, ऑनर ऑफ सच ऑप्शंस कैन एक्सरसाइज द राइट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर द एक्सपायरी डे। मान लीजिए आपने कोई पर्टिकुलरली स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है, से ओएनजीसी का 110 का स्ट्राइक प्राइस आपने सिलेक्ट कर लिया एंड देन स्टॉक जो है ओएनजीसी का आउट ऑफ द मनी 110 का स्ट्राइक प्राइस पे आपने कॉल ऑप्शन डिसाइड किया है, स्टॉक चलकर 110 आ जाता है, तो दिस वे यहां पर जो ऑप्शन बायर है उसे एग्जीक्यूट कर सकता है, उसे एक्सरसाइज कर सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर द एक्सपायरी। बट यहाँ यूरोपियन ऑप्शन में वो एक दी एक्सपायरी होता है स्टॉक यहाँ पर और दी ऑप्शन जो यहाँ पर इन दी मनी हो जाता है। सो दिस इज व्हाट द बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट इज ऑप्शन प्रीमियम। व्हाट इज दिस? जैसा कि मैंने आपको वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि आप एक इवेंट मैनेजर को जब हायर करते हो तो उस इवेंट मैनेजर को हायर करने के लिए आप उसे एक टोकन मनी दे देते हो और वही टोकन मनी से आप उस इवेंट मैनेजर पर अपना राइट खरीद लेते हो। तो ऑप्शन का जो प्रीमियम है, से निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी का अगर 19,000 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, 19,000 चल रहा है, 19,000 का आप स्ट्राइक प्राइस देखते हो तो यहाँ पे 19,000 स्ट्राइक प्राइस पर अलग अलग प्रीमियम आपको दिखाई देगा जो कि इस तरह दिखाई देगा। देखिएगा ये इस तरह से यहाँ पर अलग अलग प्रीमियम आपको दिखाई देगा। ये अगर मैं बात करूँ 10,000, ये पुराना डेटा विच आई टेकन फ्रॉम दी एनआईएसएम बुक्स इटसेल्फ, सो द डेटा इटसेल्फ। सो स्ट्राइक प्राइस अलग अलग है तो आपका प्रीमियम का अमाउंट अलग अलग है। अभी कैसे काम करता है, कैसे कैलकुलेट होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पर प्रीमियम क्या है? प्रीमियम इज नथिंग बट एक जो प्राइस है जिसको पे करके आप उस राइट को खरीदते हो। एंड ये प्रीमियम का वैल्यू दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होता है टाइम वैल्यू। व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, व्हाट इज टाइम वैल्यू, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो राइट नाउ लॉट साइज इज द क्वांटिटी, जो जैसे कि मैं ऑप्शंस बाय कर रहा हूँ तो ऑप्शंस में रिलायंस का बाय करता हूँ, रिलायंस में 250 का लॉट साइज है तो 250 क्वांटिटी का ट्रेड होगा। सो दैट इज द लॉट साइज, दैट द कॉन्ट्रैक्ट साइज। अब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का मतलब जो प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज, सो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। एक्सपायरी डे इज द लास्ट ट्रेडिंग डे, से इंडेक्स में वीकली बेसिस पे ट्रेडिंग डे लास्ट होता है। वहीं स्टॉक ऑप्शंस की बात करो तो इंडिया में लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, से अगर लास्ट थर्सडे पे कोई हॉलीडे आ जाता है तो वो लास्ट वेडनेसडे हो जाता है ऑफ द मंथ, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे हो जाता है ऑफ द मंथ। सो दिस इज द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि अभी की बात करूँ तो अभी नवंबर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी, नवंबर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी लास्ट थर्सडे ऑफ द नवंबर को। सो दिस इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग होप यू गॉट फ्रॉम द ऑप्शंस एंड दीज आर द टर्मिनोलॉजीज। अभी बात करते हैं स्पॉट प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, इन द मनी का मतलब क्या है, एट द मनी का मतलब क्या है, आउट ऑफ द मनी का मतलब क्या है। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी इस पर डिपेंड करता है, इन दोनों पे। पहले स्पॉट प्राइस समझते हैं। स्पॉट प्राइस वो
जो कि अंडरलाइन का प्राइस है, अंडरलाइन लाइक रिलायंस इक्विटी में जो भाव चल रहा है वो, और एक रिलायंस की स्ट्राइक प्राइस जिस प्राइस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। से मैंने जैसे कहा 2000 का भाव चल रहा है और आपने 2100 के प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया और उसका टोकन मनी दे दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ है, स्ट्राइक प्राइस हो गया है 2100 और स्पॉट प्राइस हो गया है 2000। क्यों? 2000 का तो रेट करंट प्राइस चल रहा है और 2100 का स्ट्राइक प्राइस आपने लिया है, मतलब 2100 पर बाय करने का राइट खरीदा है। इन फ्यूचर अगर वो 2500 भी चला जाता है तो भी आपको 2100 पर ही मिलेगा भाव। सो दिस इज व्हाट 2100 इज द स्ट्राइक प्राइस एंड 2000 इज द स्पॉट प्राइस। इफ यू रीड इट आउट, इट इज द प्राइस एट विच अंडरलाइंग असेट ट्रेड्स इन द स्पॉट मार्केट। स्ट्राइक प्राइस द प्राइस एट अंडरलाइंग असेट और सिक्योरिटी मे बी परचेज और सोल्ड, जिस भाव पे आप खरीदना या बेचना चाहते हो, बेचना मतलब पुट ऑप्शंस से आपको लग रहा है 2000 है और ऐसा ना हो कि मार्केट नीचे चला जाए तो आप 2000 की स्ट्राइक प्राइस का ही कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन खरीद लेते हो। सो दिस वे यू हैव टेकन अ पर्टिकुलर प्राइस टू बी ट्रेड, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट का एक प्राइस डिसाइड करते हो और जो प्राइस हम डिसाइड करते हैं वो प्राइस है स्ट्राइक प्राइस। अब यहाँ पर स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस है उससे डिसाइड होता है कि कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी है, कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ द मनी है या कॉन्ट्रैक्ट एट द मनी है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्ट्राइक प्राइस एंड स्पॉट प्राइस सेम हो। से मैंने 2000 का प्राइस है और स्ट्राइक प्राइस भी 2000 का ले लिया तो ये हो गया एट द मनी। एट द मनी मतलब स्पॉट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस इज सेम। सो यहाँ पर ये जो कॉल ऑप्शन या ये जो पुट ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस का जो प्राइस है या जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है ये एट द मनी हो जाता है। चलिए थोड़ा और डिफरेंट चलते हैं कॉल ऑप्शंस के लिए। अब डिस्कस करते हैं पहले कि स्पॉट प्राइस चल रहा है 2000 और मैंने कॉल ऑप्शन खरीद लिया है 2100 का, तो मेरा जो 2000 का प्राइस अभी चल रहा है और मैं बाहर जाकर मतलब दूर जाकर एक कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ, मतलब दूर जाकर, तो ये जो दूर जा रहा हूँ मैं मतलब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, दिस इज आउट ऑफ द मनी, खरीदने के लिए आउट ऑफ द मनी। सो स्पॉट प्राइस इज 2000 एंड बाइंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 2100 के मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है 2100 का, तो यहाँ से 2000 से मैं बाहर की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो ये हो गया आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट, अगर मैं 2000 पे न खरीदते हुए या 2100 पे न खरीदते हुए मैं चाहता हूँ कि कॉल ऑप्शन भाव चल रहा है 2000 का स्पॉट का और कॉल ऑप्शन में खरीदना चाहता हूँ 1900 के भाव का, नीचे जाकर खरीदना चाहता हूँ, नीचे इन दी मनी नीचे जाकर, तो 1900 का स्ट्राइक प्राइस और 2000 का स्पॉट का प्राइस चल रहा है, तो ये इन दी मनी हो जाता है। एंड दिस इज व्हाट बेसिक मेथड हम लोग यूज करते हैं एट दी मनी के लिए, आउट ऑफ दी मनी के लिए और से इन दी मनी के लिए। अब इसके जस्ट अपोजिट होता है पुट ऑप्शन। आपको ज्यादा कैलकुलेशन में यहाँ जाएंगे तो कंफ्यूजन होगा। मैंने जो बताया आपको 2100 का भाव, स्ट्राइक प्राइस का, मार्केट का भाव 2000 का, ये हो गया आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। 2000 का भाव मार्केट का, 2000 का भाव स्ट्राइक प्राइस का, ये हो गया एट द मनी। 2000 का भाव मार्केट का, स्पॉट का और स्ट्राइक प्राइस 1900 का, ये हो गया इन द मनी फॉर कॉल ऑप्शन। अब इसके अपोजिट अगर बात करते हैं तो वो पुट ऑप्शन के लिए हो जाता है। सो दिस इज व्हाट इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी। होप ये टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर अच्छे से क्लियर हुआ है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, और जिन्हें नहीं समझ आया वो थोड़ा वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। आगे बढ़े इंट्रिंसिक वैल्यू। अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। जब भी हम इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करते हैं तो ये है बेसिकली इन द मनी में एग्जिस्ट करता है, आउट ऑफ द मनी में एग्जिस्ट नहीं करता है। नाउ व्हाट इज दिस, लेट्स सी। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, और जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वही इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर नेगेटिव आता है, से स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस नेगेटिव आएगा, से 2000 का भाव है और 2100 का स्ट्राइक प्राइस देता हूं, तो 2000 माइनस 2100 तो यहां नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव इज नॉट अ वैल्यू, यहां पर जीरो कंसीडर करना है, इंट्रिंसिक वैल्यू इज जीरो। वहीं मैं 2000 के भाव पे स्पॉट का है, इंट्रिंसिक वैल्यू 1900 का है, तो मैं 2000 स्पॉट माइनस स्ट्राइक करता हूं तो 100 रुपए का डिफरेंस आता है, तो ये 100 रुपीस का डिफरेंस है, ये मेरे लिए यहां पर हो जाता है पर्टिकुलरली इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ साथ किसी भी ऑप्शन के प्रीमियम में टाइम वैल्यू भी होता है, कि ऑप्शन का प्रीमियम जो है दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो कि स्पॉट माइनस स्ट्राइक से होती है, इन दी मनी जो होगा जैसे कि 2000 ऊपर है 19 नीचे है तो ये इन दी मनी कॉन्ट्रैक्ट में इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है, आउट ऑफ दी मनी कॉन्ट्रैक्ट और एट दी मनी कॉन्ट्रैक्ट में इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होता है। अब टोटल प्रीमियम का जो वैल्यू होता है वो बनता है टाइम वैल्यू से और इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो हमें इन दी मनी में मिलेगा पॉजिटिव और आउट ऑफ दी मनी में नेगेटिव, तो नेगेटिव इज नॉट कंसिडरेबल, यहाँ जीरो कंसिडर किया जाता है। एंड देन
उस इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ साथ यहाँ पे होता है टाइम वैल्यू। बिकॉज आप रिलायंस अगर आज खरीदते हो, आज अगर खरीदते हो तो आज खरीदने के साथ साथ आप पूरा पेमेंट करते हो, बट देन आप आज ना खरीदते हो, आज खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट, आज फ्यूचर डेट पर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो, बट आपको प्राइस आज का मिल जाता है। तो समबडी इज सेलिंग ऑन बिहाफ ऑफ यू एंड वो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को सेल करके उसमें जो है वो टाइम वैल्यू, इंटरेस्ट रेट एंड द वोलेटिलिटी को बियर करता है। सो फॉर दैट द टाइम इज कंसिडर, कि टाइम का एक वैल्यू दे दिया जाता है जो कि प्रीमियम में जाकर ऐड हो जाता है, जो कि हम मैथमेटिक्सली आगे डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस एक राइट जो कि एग्जीक्यूट किया जा रहा है, और जब भी कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, मतलब एक ऑप्शन बायर कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सरसाइज। और जब भी कोई बायर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को एग्जीक्यूट करता है, तो जो सेलर है उसे वो कॉन्ट्रैक्ट असाइन हो जाता है। सो दैट इज द असाइनमेंट ऑफ द ऑप्शन। सो दिस वे एक्सरसाइज इज डन बाय ऑप्शंस बायर एंड द असाइनमेंट इज डन टू सेलर। जब भी आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है और उस कॉल ऑप्शन को आप एग्जीक्यूट करते हो, तो एक्सरसाइज कर रहे हो आप, और इस एक्सरसाइज के केस में उस कॉल ऑप्शंस को एग्जीक्यूट करने का ऑब्लिगेशन असाइन हो जाता है टू सेलर। सो दिस इज व्हाट कॉम्बिनेशंस, और ये सारी टर्मिनोलॉजी मैंने वन बाय वन बहुत अच्छे से समझाई है। नहीं समझ में आई तो प्लीज रिपीट करिए, बट इससे पहले आगे मत करिएगा। अगेन हम आगे बात करते हैं अब दूसरे पॉइंट पे कि पे ऑफ। अब जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर कॉल ऑप्शंस लॉन्ग है, लॉन्ग ऑप्शंस है, शॉर्ट ऑप्शंस है, एक ऑप्शन बायर है, एक ऑप्शन सेलर है। तो ऑप्शन बायर कौन, ऑप्शन सेलर कौन? तो ऑप्शन बायर वो जो प्रीमियम पे कर रहा है, ऑप्शन बायर वो जिस पे ऑब्लिगेशंस नहीं है बाइंग एंड सेलिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बायर वो जिसके पास राइट है टू बाय और सेल अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बायर वो जिसका लॉस लिमिटेड है। लॉस लिमिटेड ऐसा कि जो प्रीमियम पे किया है बस उतना लॉस। जैसा कि ये पे ऑफ चार्ट यहां देख सकते हैं, अगर मार्केट किसी ने कॉल ऑप्शन बाय किया है वो मार्केट ऊपर जाता है तो उसका प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड है, बट मार्केट अगर नीचे की तरफ जाता है, ये जो लाइन है ये नीचे की तरफ मार्केट जाता है, तो यहाँ पर लॉस उसका एक पर्टिकुलर प्राइस पर जाकर लिमिटेड है, जो कि उसने जो प्रीमियम पे किया है उसके बराबर होता है। सो लॉस इज लिमिटेड एंड द प्रॉफिट इज अनलिमिटेड। नेक्स्ट, प्रॉफिट वुड डिपेंड ऑन द असेट एंड द अंडरलाइंग प्राइस। जैसे जैसे अंडरलाइंग बढ़ता चला जाएगा वैसा। वहीं अगर हम शॉर्ट की बात करें, शॉर्ट ऑप्शंस, तो शॉर्ट ऑप्शंस में लॉस जो है वो अनलिमिटेड हो जाता है एंड थियोरेटिकली, एंड प्रॉफिट जो है लिमिटेड हो जाता है। नाउ हाउ, वो आगे डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं पुट ऑप्शंस की बात करूँ, तो पुट ऑप्शंस में मार्केट अगर बढ़ता है तो आपका लॉस स्टार्ट होता है जिसमें कि लॉस लिमिटेड है एंड आपका प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड है। वहीं अगर हम सेलर की बात करते हैं, ऑप्शन सेलर के नजरिए से देखते हैं, तो ऑप्शन सेलर को जो प्रीमियम है वो प्रीमियम मिल जाता है, और ऑप्शन सेलर का जो है लॉस जो है वो लिमिटेड है, प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड है, और उसका जो लॉस है वो ये वाला वो अनलिमिटेड है, उसका कोई लिमिट नहीं है। दिस इज थ्योरेटिकल। सिमिलरली ऑप्शन सेलर को जो है ऑब्लिगेशंस है, राइट नहीं है। सो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन बायर एंड सेलर। लॉन्ग ऑन ऑप्शंस मतलब ऑप्शन बाइंग एंड शॉर्ट ऑन ऑप्शन मतलब ऑप्शन राइटिंग। सो दिस इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग के पे ऑफ कैसे होता है। अब इस तरह आते हैं, अब एग्जांपल है निफ्टी का। जो निफ्टी चल रहा है फिलहाल, निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है फिलहाल 10,460 एज पर द डेटा 2018, राइट। नाउ इस पर्टिकुलर डेटा पे देखे तो किसी ने बोला कि मुझे 10,500 पे निफ्टी खरीदना है। नाउ स्टॉक चल रहा है, निफ्टी चल रहा है 10,460 और ये चाहते हैं 10,500, मतलब आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, आउट ऑफ द मनी। क्यों? क्योंकि स्ट्राइक प्राइस नीचे आ गया, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन जो है ऊपर की तरफ है, तो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन ले रहा है, उसका प्रीमियम पे कर रहे हैं। इस प्रीमियम में डेफिनेटली जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगा वो जीरो होगा एंड रिमेनिंग एवरीथिंग इज टाइम वैल्यू। सो दिस वे यहाँ पर इन्होंने पे कर दिया है 1,815 रुपीज, तो यहाँ पर इन्होंने 115 रुपीज इस पे ऑफ चार्ट पे पे कर दिया। सो अगर निफ्टी 10,500 से नीचे रहता है, से 10,500 मतलब 10,200, 300, 400, 500, 600 यहाँ तक रहता है, तब तक इन्हें नुकसान है ऑन दी एक्सपायरी डे। रीजन बीइंग, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी पे कर चुके हैं प्रीमियम, तो जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है से 10,500, तो 10,500 का जो स्ट्राइक प्राइस यहाँ सिलेक्ट किया है, इसमें आप ये जो अमाउंट है आपने जो पे किया है वो ऐड कर दीजिए, कि इतना भाव आता है निफ्टी का, 10,615 रुपीज का भाव आता है, तब जाके ब्रेक इवन आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 10,600 का जो भाव है, ये जो प्राइस है, इस प्राइस पर 115 का प्रीमियम भी अगर हम लोग एडजस्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें 15 रुपीज का नुकसान हो रहा है। बिकॉज ये तो हुआ आपका प्रीमियम आपने पे किया है 115 रुपये, स्ट्राइक प्राइस आपने सिलेक्ट किया था 10,500, अभी मार्केट चल रहा है 10,660, अगर मार्केट 10,600 पे जाता है
10,600 पे जाता है तो क्या होगा, तब क्या होगा, आपने 5,500 मतलब 10,500 का प्रीमियम पे पर आपने 115 रुपए का प्रीमियम पे किया, तो अब आपका जो ब्रेक इवन आएगा 110,500 प्लस 115 सो आता है 10,615। तो अगर 10,600 पर आते हैं तब भी हमें कितने रुपए का नुकसान है, हमें नुकसान आ जाता है यहाँ पर 15 रुपए का। अगर हम 10,700 पर जाते हैं, मतलब अगर निफ्टी एक्सरसाइज वाले दिन 10,700 पर एक्सरसाइज और क्लोज होता है तब स्ट्राइक प्राइस प्लस आपने जो प्रीमियम पे किया दैट मींस 10,500 प्लस 115 10,615 ये आपका कॉस्ट हो जाता है। अब इसके बाद 10,700 अगर निफ्टी क्लोज होता है तो 10,700 माइनस 10,615 का जो भाव है उससे निकल कर आता है आपका 85 रुपीज का प्रॉफिट। तो इस तरह से जैसे जैसे निफ्टी का भाव बढ़ता जाएगा आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता चला जाएगा और अप टू अनलिमिटेड कितना भी जा सकता है थ्योरेटिकली, बट आपका नुकसान जो है वो फिक्स रहता है, एक मैक्सिमम लॉस जो है आपका 115 का रहता है जो कि आपने प्रीमियम पे किया है। अगर हम बात करें आगे, सेल किया जिसने कॉल ऑप्शंस, मतलब आपने बाय किया था, से यू आर नॉट द सेलर बट समबडी एल्स इज सेलिंग, सो आपके अगेंस्ट जिन्होंने सेल किया तो जो प्रॉफिट आपका होगा वो उनका नुकसान होगा और जो नुकसान आपका होगा उनका प्रॉफिट होगा, तो जस्ट अपोजिट हो जाता है ग्राफ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने जो प्रीमियम पे किया है एक पर्टिकुलर लेवल तक लॉस फिक्स रहता है, उसके बाद जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है मतलब मार्केट आगे की तरफ जाता है वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाता है। सो दिस इज पे ऑफ चार्ट ऑफ द ऑप्शंस। इसे डिटेल में जानना है तो आप opscardefiners.com करके एक वेबसाइट है वहां पे बहुत अच्छे से समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं सेलिंग। जैसे कि मैंने प्रीमियम पे किया था व्हेन आई वाज बाइंग तो मुझे तुरंत ही 115 रुपए का यहाँ पे नुकसान दिखाया गया, वैसे ही अगर मैं सेल करता हूँ तो मुझे प्रीमियम रिसीव होने वाला है कितने का, तो 115 रुपए का, तो मुझे यहाँ पर 115 रुपए का प्रॉफिट शो किया गया है। एंड जैसे जैसे मार्केट बढ़ता है बिकॉज अगर मैं सेल कर रहा हूँ कॉल ऑप्शन से, आप बाय करते हैं कॉल ऑप्शन तो आपको लगता है कि मार्केट का व्यू बुलिश है तो आपने बाय किया, उसके लिए आपने 115 रुपए दे दिए, उसके अगेंस्ट में मैंने सेल किया ऑप्शन तो मुझे लग रहा है कि मार्केट का व्यू बियरिश है सो आई हैव टेकन 115 और अगर मार्केट नीचे रहा तो मुझे पूरा 115 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अब नाउ मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलता है मतलब मार्केट 10,600 से 11,000 तक चला जाता है तब ये जो नुकसान है मेरा बढ़ता चला जाता है अनलिमिटेड वे में थ्योरेटिकली, राइट। मतलब बार बार मैं थ्योरेटिकली क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि बुक्स में अकॉर्डिंग देखे तो थ्योरेटिकली ये नुकसान है अनलिमिटेड, बट इस नुकसान को हम स्टॉप लॉस लगाकर भी फिक्स कर सकते हैं। ऑल क्लियर। सो अभी यहाँ पर चलते हैं टेबल पर। अभी हमने देखा कि मार्केट का जो स्पॉट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 10,460 और अभी स्ट्राइक प्राइस जो हमने ट्रेड किया है वो है 10,500, उसका प्रीमियम आपने पे किया था 115 का प्रॉफिट हो जाएगा और बीइंग अ बायर आपको 115 का नुकसान हो जाएगा क्योंकि प्रीमियम है। नाउ निफ्टी 116 पर जाता है 10,600 पर जाता है तो 10,600 पर आपको 15 रुपीस का नुकसान होगा क्योंकि आपका जो कॉस्ट आ रहा है वो 10,500 प्लस प्रीमियम यू पेड, तो 10,500 प्लस 10,615 का आपका कॉस्ट है। अगर मार्केट 10,600 पर जाता है तो यहाँ पर आपको 15 रुपीस का नुकसान हो जाएगा और मुझे बीइंग अ सेलर इतना प्रॉफिट हो जाएगा। मेरे लिए लॉस अनलिमिटेड है, आपके लिए प्रॉफिट अनलिमिटेड है। मेरे लिए प्रॉफिट लिमिटेड है जो कि 115 रुपीस का है और आपके लिए जो नुकसान है वो लिमिटेड है। दिस वे ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर में ये डिफरेंस होता है। अभी हम बात करते हैं पुट ऑप्शन के लिए। ये जो हमने बात किया लॉन्ग कॉल ऑप्शन एंड लॉन्ग शॉर्ट कॉल ऑप्शन, वही हम बात करते हैं लॉन्ग पुट ऑप्शन एंड शॉर्ट पुट ऑप्शन। सो इसको थोड़ा सा फास्ट लेंगे, जस्ट अपोजिट टू व्हाट वी डिस्कस इन दी कॉल ऑप्शंस के मुझे लग रहा है मार्केट का व्यू बियरिश और से आपको लग रहा है मार्केट का व्यू बियरिश। तो आपने क्या किया, अभी मार्केट का जो भाव चल रहा है वो चल रहा है 10,460 और आपने कहा कि एक काम करते हैं 10,500 का पुट ऑप्शन खरीद लिया जाए, तो अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपका नीचे जाने पे प्रॉफिट बढ़ेगा और अगर ऊपर चला जाता है तो आपका नुकसान कितना होगा, लिमिटेड होगा 160 का, राइट। वहीं एक सेलर है आपके अगेंस्ट में से, मैंने सेल किया, आपने बाय किया, मैंने सेल किया, तो यहाँ पर मुझे 116 का प्रीमियम रिसीव हो जाएगा इफ एक्सपायर बिलो और से अबो 10,500 और अगर उसके नीचे एक्सपायर होता है तो हो सकता है मुझे लॉस बढ़ता चला जाए।
बट मुझे जो प्रॉफिट होना है वो 160 से ज्यादा एक रुपया भी नहीं होना है, राइट? सो दिस इज कॉल ऑफ पुट ऑप्शन बायर। तो पुट ऑप्शन आपको लग रहा है मार्केट बेयरिश है, तो आपने 10,500 का एक पुट ऑप्शन खरीद लिया है, उसका प्रीमियम पे किया है। अगर मार्केट 9,700 पर जाता है, यहां से 9,700 पर जाता है, तो आपने जो प्रीमियम पे किया है वो माइनस आपका स्ट्राइक प्राइस, आपका कॉस्ट होता है। मतलब अब यहां पर आपका प्रॉफिट वहां से चालू होगा जब निफ्टी जो है, निफ्टी 10,350, मतलब क्या है कि अगर मैंने पुट ऑप्शन खरीदा है, स्ट्राइक प्राइस लिया है 10,500 का, तो अगर 10,500 का जो पुट ऑप्शन मैंने खरीदा है और निफ्टी 10,340 पे क्लोज होता है, तो ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, बिकॉज वहां तक तो प्रीमियम जीरो ही रहने वाला है, वहां से प्रीमियम में प्रॉफिट चालू होगा। तो आप देख सकते हैं, आपने बीइंग अ पुट ऑप्शन बायर, आपने बाय किया है तो आपने प्रीमियम पे किया था, और जैसे जैसे मार्केट 10,400, 10,300, 200 की तरफ बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट बढ़ने लगता है, और एक ऐसा पॉइंट आता है 10,340, वहां से आपका प्रॉफिट चलना चालू होता है और वो अनलिमिटेड वे में बढ़ता रहता है। बट आपके अगेंस्ट अगर मार्केट जाता है तो वो 10,500, 600, 11,000 तक आपका जो नुकसान है वही रहेगा जो आपने प्रीमियम पे किया, दैट इज 1,660। अगेंस्ट टू दैट, दैट्स द ऑप्शन पुट ऑप्शन सेलर, जो कि 1,060 का प्रॉफिट है, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लॉस के चांसेस है अगर मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिर जाता है। तो दिस वे कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस के पे ऑफ्स, आप डिटेल में जानना है तो मैंने बुक का लिंक पर्टिकुलरली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहां से बुक भी पढ़ सकते हैं, एंड मुझे नहीं लगता है कि उतना ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत है। होप दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इज क्लियर टू यू, एंड और नहीं समझ में आता है तो आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं कि रिस्क किसे ज्यादा है, जो कि मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, लॉन्ग में रिस्क है या शॉर्ट में रिस्क है। रिस्क दोनों में है, रिस्क दोनों में है, बट डिफाइंड जो रिस्क है वो है बाइंग में, और रिस्क सेलिंग में अनडिफाइंड है, मतलब अनलिमिटेड है। कितनी है? अनलिमिटेड। अगर मैं रिस्क की बात करूं तो अगर मैं सेल करता हूं तो मेरे लिए लॉस के चांसेस, लॉस जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है, और प्रॉफिट कितना होगा? केवल प्रीमियम के बराबर, जो प्रीमियम मुझे मिला। और अगर मैं ऑप्शंस को बाय करता हूँ तो मेरा नुकसान जो है वो केवल और केवल उतना है जितना कि मैं प्रीमियम पे किया हूँ, जैसे कि 160, 115, ये मेरा नुकसान है, और प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड है। बट दिस इज नॉट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिमिटेड अनलिमिटेड। प्रॉफिट अगर ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड है और जो लॉस जो है वो लिमिटेड है, सिमिलरली ऑप्शन सेलिंग में भी आपका लॉस लिमिटेड हो सकता है अगर आप लॉस को मिनिमाइज करें या लॉस को स्टॉप लॉस से मैनेज करें। बट दैट इज मोर ओवर फॉर ट्रेडिंग परस्पेक्टिव, उसके लिए हम डिफरेंट डिस्कस करेंगे, डिफरेंट वीडियो पे बात करेंगे या कभी और बात करेंगे। अभी यहाँ पर हम पूरा थ्योरेटिकल समझ रहे हैं। हालांकि अनलिमिटेड लॉस नाम की कोई चीज होती नहीं है, हर जगह अनलिमिटेड, वैसे देखा जाए तो हर जगह अनलिमिटेड लॉस का डेफिनेशन और अनलिमिटेड लॉस ही है, उसे लिमिट करना हमारे हाथ में, हम स्टॉप लॉस लगा के उसे लिमिट कर सकते हैं। सो दिस इज वॉट ऑप्शन बायर को जो है, भले वो कॉल ऑप्शन बायर हो या पुट ऑप्शन बायर हो, उसका लॉस जो है लिमिटेड होता है, उसका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड होता है। वहीं ऑप्शन सेलर की बात करूं, अगर पुट ऑप्शन सेल कर रहा है या कॉल ऑप्शन सेल कर रहा है, उसका जो लॉस है वो अनलिमिटेड है और जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड, जो कि प्रीमियम उसे मिला है, जो प्रीमियम का वैल्यू है वो। बट उसके अनलिमिटेड लॉस को भी कंट्रोल किया जा सकता है बाय पुटिंग स्टॉप लॉस, बाय मैनेजिंग और बाय मेकिंग एडजस्टमेंट इन दी ट्रेड्स। सो दैट इज वॉट लिवरेज एंड रिस्क इन्वॉल्व इन दी ऑप्शंस। यस, ऑप्शंस में रिस्क होता है, उसे आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज प्राइसिंग। हमने बात किया इंट्रोडक्शन पे, हमने बात किया पे ऑफ चार्ज पे, हमने बात करने वाले हैं अब हम लोग प्राइसिंग पे। तो प्राइसिंग क्या है? प्राइसिंग इन द सेंस कि जो स्ट्राइक प्राइस और ऑप्शन का स्पॉट जिस पर बेस्ड है, स्पॉट प्राइस, उससे हम लोग डिराइव करते हैं कि ऑप्शन का ये पर्टिकुलरली जो प्रीमियम है उसका वैल्यू कितना होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट अ प्रीमियम का प्राइसिंग। ऑप्शन का जो प्रीमियम है उसकी प्राइसिंग डिफाइन होती है स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंस से। अब स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन द सेंस मैंने जैसे कॉल ऑप्शन के लिए बताया था कि स्पॉट माइनस स्ट्राइक, तो स्पॉट अगर ज्यादा है और स्ट्राइक प्राइस उसका लो है कॉल ऑप्शंस के लिए, तो ये पॉजिटिव डिफरेंस होगा 2,000 - 1,900। वहीं स्ट्राइक प्राइस आपका 2,100 रुपए है और स्पॉट प्राइस 2,000 है, तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक करने जाऊंगा तो माइनस आएगा। तो दिस इज वॉट आई मीन, दिस इज नॉट एन इंटेंसिव वैल्यू, जीरो हो जाएगा। सो यहाँ पर हम बात करते हैं ऑप्शन प्राइसिंग। तो ऑप्शन प्राइसिंग बेसिकली
दो मेथड्स हैं जो कई सालों से यूज होती आ रही है, बट हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है। हमें सीधा बात करना है कि स्पॉट माइनस स्ट्राइक इज डिफाइंड एज एन इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस उसमें टाइम वैल्यू भी होता है जो कि टाइम टू एक्सपायर, वोलेटिलिटी और इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करता है। सो बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू इन फर्स्ट और सेकेंड जो पार्ट है उस पर डिपेंड करता है, और टाइम वैल्यू जो है वो थ्री फोर्थ एंड फिफ्थ पर डिपेंड करता है। सो बेसिकली हम अगर जब भी प्राइसिंग देखते हैं ऑप्शन की, तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस दिस डिफाइन द इंट्रिंसिक वैल्यू। वहीं बात करें प्राइस का, वोलेटिलिटी, टाइम टू एक्सपायर और दी इंटरेस्ट रेट, ये तीन चीजें मिलकर बताती है कि आपका टाइम वैल्यू कितना है। और टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों मिलकर बताती है कि ऑप्शन का प्रीमियम कितना होना चाहिए। सो होप इट इज क्लियर। अब टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, मैं क्लियर किया हूँ कि टाइम वैल्यू इज नथिंग बट समय के साथ साथ जो इंटरेस्ट कॉस्ट और जो टाइम टू एक्सपायर और जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो भी उस पर्टिकुलर ऑप्शन का पार्ट होती है वो समय के साथ रिड्यूस होती चली जाती है। तो समय के साथ टाइम वैल्यू रिड्यूस होता चला जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दो मॉडल यहाँ पर है, एज दी बाइनोमियल मॉडल एंड दी ब्लैक्सवेल मॉडल। उतना डिटेल में बुक में नहीं है तो हम डिटेल में नहीं जाने वाले, बट यस अगर मैं बात करूँ बाइनोमियल मॉडल की, तो यहाँ पर एक फिक्स सेट ऑफ रूल्स है। यहाँ पर अलग अलग ब्रांचेस और अलग अलग कॉम्बिनेशन में ऑप्शन का प्रीमियम फिक्स किया जाता है। नाउ ऑन द अगेंस्ट टू दिस Blackwell model, this model is based on theoretical call option pricing using five key parameters called strike price, spot price, volatility, time to expire and the risk-free rate of return. अब ये जो dynamic है, ये continuously real time पे calculate होता रहता है। Now against to this binomial model is represent the price evolutions of the options underlying binomial tree. मतलब मैंने बोला कि अलग-अलग branches में, अलग-अलग possibilities में price को place किया जाता है with this, अगर वो irrespective of that time to expire और space between their expiry. तो यहाँ पर सभी का जो प्राइस है इक्वली डिपेंड करता है, इक्वली चेंज होता है और विद द चेंज इन द स्पॉट प्राइस एंड द स्ट्राइक प्राइस। सो हियर इन बाइनोमियल मॉडल इज मोर ओवर अ लेंथी प्रोसेस, वेयर एज द ब्लैक्सवेल इज मोर ओवर स्मॉलर बट देन इट इज मोर ओवर डायनामिक, और से बाइनोमियल इज मोर ओवर फ्लेक्सिबल। बट अगर मैं बात करूँ ब्लैक्सवेल मॉडल की, तो ये थोड़ा रियल टाइम फ्रेम पर कैलकुलेशन शो करता है। एंड जितना भी हम यूरोपियन कॉल ऑप्शन की बात करें जो कि इंडिया में हम यूज करते हैं, ये यूरोपियन कॉल ऑप्शन जो है वो ब्लैक्सवेल मॉडल बेस्ड होते हैं। बाइनोमियल मॉडल बेस्ड जो है अमेरिकन कॉल ऑप्शन होते हैं। सो दैट्स इट फॉर द प्राइसिंग। अब हम बात करते हैं यूज, आई मीन इस प्राइसिंग में जो बेसिकली यूज हो रहा है यहाँ पर, स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, वोलेटिलिटी, टाइम टू एक्सपायर एंड दी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। अब ये जो ब्लैक्सवेल मॉडल है, उस ब्लैक्सवेल मॉडल में इन सभी को किस तरह डिफाइन किया जाता है, ये डिफाइन होते हैं ऑप्शन ग्रिक्स से। नाउ व्हाट इज ग्रिक्स? सो यहाँ पर है डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा एंड रो। Now what is delta? Delta defines the sensitivity of a stock premium, मतलब option का जो premium है with respect to change in the spot. Now what is this? समझते हैं। Delta बताता है कि एक particular stock का price बढ़ा तो कितना premium बढ़ेगा। It is just like a gearbox. कि हमें ना अगर आप देखेंगे कि अगर gear में जो movement आता है, let's say एक बाइक है वो फर्स्ट गियर में चल रही है, तो पर रोटेशन ऑफ इंजन के पर रोटेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा। वहीं अगर उसका गियर चेंज होता है तो गियर टू में आती तो पर रोटेशन उसका स्पीड बढ़ जाता है। वहीं फोर्थ या फिफ्थ गियर में अगर है तो उसका आरपीएम के बेसिस पे स्पीड ज्यादा रहता है। नाउ इन द मनी स्ट्राइक प्राइस जो है वो एक्चुअल में इसकी टॉप गियर ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस इज द फर्स्ट गियर ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम। नाउ व्हाट इज दैट? डेल्टा टेल्स यू द सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक का, ऑप्शन का प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक का स्पॉट प्राइस। मतलब स्पॉट प्राइस 100 रुपए से अगर 110 रुपए होता है और डेल्टा अगर आपका 0.5 है तो ऑप्शन का प्रीमियम 5 रुपए से बढ़ जाएगा, ऐसा डेल्टा बताता है। अब ये डेल्टा कहाँ दिखता है, कैसे दिखता है, वो अलग अलग टर्मिनल से आपको दिख जाता है। आई मीन वी यूज एज अ फाल्कन, वहां पर हमें एक मार्केट वॉच में दिख जाता है। एंड और भी फ्री वेबसाइट्स है जैसे कि opstardefines.com, वहाँ पर आप डेल्टा चेक कर सकते हो। इवन डेल्टा बेस्ड कई सारी हेजिंग स्ट्रैटेजी होता है जो कि डेल्टा हेजिंग जिसे बोला जाता है वो आप कर सकते हो। देन इज गामा। सो अगर आपको डेल्टा समझ में आ गया तो आप गामा की बात करते हैं, बट अगर डेल्टा समझ में नहीं आया तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। डेल्टा इज नथिंग बट अ सेंसिटिविटी ऑफ अ प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू मार्केट प्राइस, कि मार्केट में जो चेंज आएगा उसके कंपैरिजन में ऑप्शन के प्रीमियम में क्या चेंज आएगा। अगर मार्केट दस रुपये गिरता है स्टॉक, तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना गिरेगा। अगर डेल्टा 0.9 है तो स्टॉक अगर 10 रुपए चलता है तो स्टॉक का प्रीमियम जो है 9 रुपए चल जाता है। डेल्टा कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, नेवर द लेस अगर उसमें एक्स्ट्रा इंप्लाइड वोलेटिलिटी कहीं आता हो, बट थ्योरेटिकली डेल्टा इज बिटवीन -1 टू +1। नेक्स्ट इज गामा। गामा इज द सेकेंड लेवल डेरिवेटिव, और से
सेकेंड लेवल ग्रीक। सेकेंड लेवल ग्रीक मतलब क्या कि जो डेल्टा का जो वैल्यू है जो कि वन से लेकर माइनस वन और से माइनस वन से लेकर वन के बीच में है, इसमें क्या चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अ स्टॉक, मतलब स्टॉक की प्राइस चेंज होने पर डेल्टा में क्या चेंज आने वाला है, ये गामा बताता है। सो दिस इज सेकेंड लेवल ग्रीक जो कि उतना एक कॉमन मैन को उतना समझ में नहीं आता जितना डेल्टा समझ में आ जाता है। सो अंडरस्टैंडिंग के लिए बस इतना बता दूं कि स्टॉक 10 रुपए चला तो जो डेल्टा था एट दी मनी 100 रुपए का ऑप्शन का प्रीमियम है और 100 रुपए का ही स्ट्राइक प्राइस है तो से डेल्टा इज 0.5। नाउ स्टॉक जो है अब चलकर 10 रुपए आगे जा चुका है तो जो 100 रुपीज का जो स्ट्राइक प्राइस है उसका जो डेल्टा था 0.5 था, अब ये डेल्टा कितने रेट से बढ़ने वाला है, मतलब कितने से बढ़ेगा वो बताता है गामा। सो डेल्टा गामा इज क्लियर। नाउ दैट्स नेक्स्ट इज थीटा, टाइम वैल्यू बताता है थीटा। जितना भी समय बचा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट को, से एक महीना बचा है, 15 दिन बचा है, 10 दिन बचा है, ये जो समय है इस समय का डिफरेंस से डिफाइन होता है थीटा। जितना ज्यादा समय होगा कॉन्ट्रैक्ट को उतना ज्यादा होगा थीटा और वो थीटा की वजह से उतनी ज्यादा होगी उसकी टाइम वैल्यू। सो दिस इज व्हाट थीटा, थीटा टेल्स यू द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एंड व्हाट वी कैन से कि मार्केट में जो स्टॉक ऑप्शंस में जो बायर्स है उसके अगेंस्ट में काम करता है थीटा हमेशा, क्योंकि टाइम के साथ साथ उस ऑप्शन का प्रीमियम खत्म होने लगता है और एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का प्रीमियम जीरो हो जाता है और एक्सपायर। सो थीटा वर्क अगेंस्ट द ऑप्शन बायर एंड थीटा वर्क विद द ऑप्शन बायर। नेक्स्ट आ जाता है वेगा। वेगा शो यू द इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और से वोलेटिलिटी यू कैन से कि मार्केट में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जितना ज्यादा होगा प्रीमियम उतना ज्यादा होगा। स्टॉक के किसी ऑप्शंस का आईवी दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अगर ज्यादा रहता है तो प्रीमियम का भाव भी बढ़ जाता है। कई बार होता है कि सेम स्ट्राइक प्राइस है कॉल और पुट ऑप्शंस की बट ऑप्शंस पुट ऑप्शंस का वैल्यू ज्यादा होता है कॉल ऑप्शंस का वैल्यू कम होता है एट दी मनी पर। बिल्कुल एकदम अगर मैं बात करूं 11,000 निफ्टी चल रहा है 11,000 का ही कॉल ऑप्शन ले लूं 11,000 का ही पुट ऑप्शन ले लूं तो यहां पर दोनों कॉल एंड पुट में डिफरेंस होता है एंड दैट डिफरेंस कम्स बिकॉज ऑफ द इंप्लाइड वोलेटिलिटी। एंड ये जो इंप्लाइड वोलेटिलिटी है ये इंप्लाइड वोलेटिलिटी आती है मार्केट व्यू से एंड जिस तरफ मार्केट में व्यू ज्यादा है उस तरफ की इंप्लाइड वोलेटिलिटी ज्यादा होती है कॉल ऑप्शन में या पुट ऑप्शन में। सो द रीजन यहाँ पर वेगा डिफरेंट होता है। नेक्स्ट इज रो। रो इज नथिंग, बहुत माइन्यूट सा इंपैक्ट आता है दैट द इंटरेस्ट रेट के जितना मार्केट में इंटरेस्ट रेट होगा से एक महीने का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करिए, दो महीने का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करिए, वो प्रीमियम में जाकर आप ऐड कर दीजिए। सो दिस इज अगेन काइंड ऑफ अ टाइम वैल्यू बट दिस इज डिफाइंड थ्रू इंटरेस्ट रेट, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। सो दिस वे डेल्टा गामा थीटा वेगा रो ये 5 ग्रिक्स हैं जो ऑप्शंस की प्रीमियम को डिफाइन करते हैं एंड इसको पूरी तरह से जो यूज किया गया है वो ब्लैक्सकोल मॉडल में यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑप्शन ग्रीक्स जो कि मैंने आपको समझाया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं फर्दर। नेक्स्ट इज थीटा गामा वेगा रो, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी क्लियर कर चुका है। अब हम करते हैं यूज ऑफ द ऑप्शंस कि मुझे ऑप्शन को यूज कैसे करना है। जैसा कि अभी हमने पे ऑफ चार्ट में समझा कि ऑप्शंस अगर मुझे लगता है कि मुझे मार्केट व्यू बाय लग रहा है तो मैं कॉल ऑप्शन खरीद लेता हूँ। अब कॉल ऑप्शन खरीदा है मैंने तो मुझे कॉल ऑप्शन कौन सा खरीदना है, अगर स्पॉट का प्राइस यहाँ पर 10,460 चल रहा है और मुझे मार्केट बाय लग रहा है तो मुझे 10,300 बाय करना है, 400 बाय करना है या 500 बाय करना है, 600। सो आई से आई वुड गो विद द 10,500। तो 10,500 का कॉल ऑप्शन अगर स्पॉट प्राइस चल रहा है 10,600 वो कॉल ऑप्शन मुझे मिलता है 72 रुपीज में मुझे मिल जाता है। अब यहां से मुझे अगर प्रॉफिट चाहिए इस ऑप्शन पर ऑन द एक्सपायरी डे तो मेरा जो स्पॉट का भाव है, स्पॉट का प्राइस है वो 10,572 के ऊपर रहता है तब मुझे प्रॉफिट चालू होता है। 10,572 इज माय ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाई? क्योंकि मार्केट जब 10,460 चल रहा था उस समय मैंने 10,500 का एक कॉल ऑप्शन परचेज किया और उसमें मैंने प्रीमियम पे किया 72। तो स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। सो दिस इज माय ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ पर आप देख सकते हो और इस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद मेरा प्रॉफिट चालू होता है। सिमिलरली आप यहाँ पे पे ऑफ चार्ट देख सकते हो। सो इफ आई गो विद 500 का स्ट्राइक प्राइस, अगर मैं 500 के स्ट्राइक प्राइस पर 500 तक मेरा जो नुकसान है वो इतना रहेगा जो मैंने प्रीमियम पे किया। उसके बाद जैसे ही मैं ऊपर जाना चालू करता हूँ 10,600 पर जाता हूँ तो 10,572 वाज माय ब्रेक इवन पॉइंट। उसके ऊपर जितना गया जैसा कि 500 से 600 गया तो लगभग 28 रुपीज का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होगा। उसके और ऊपर जाएगा तो और ज्यादा प्रॉफिट होगा बट नीचे जाता है तो मेरा नुकसान जो है 72 रुपीज जो कि मैंने प्रीमियम पे किया है। सिमिलरली यहाँ पर मुझे अगर मैंने सेल किया कॉल ऑप्शन तो जैसा मैंने कॉल ऑप्शन बायर्स के लिए बताया उसके अपोजिट यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेलर के लिए हो जाएगा। कॉल ऑप्शन सेलर का भी ब्रेक इवन पॉइंट आपका सेम होगा, दैट्स दी
10,572 के नीचे अगर मार्केट रहता है तो उसे प्रॉफिट है, उसके ऊपर जाता है तो उसे नुकसान चालू हो जाता है। वैसे ही पुट ऑप्शंस की बात करें तो पुट ऑप्शंस में मुझे अगर बियरिश लग रहा है व्यू तो मैं 10,500 का, जैसे कि अभी मार्केट चल रहा है 10,460, तो 10,500 का अगर मैं पुट ऑप्शंस यहां पर खरीदने जाता हूं तो वो मुझे मिलता है 10,221। अब ये जो मैंने प्रीमियम लिया है, इस टाइप पर लिया है, उसमें से मैं इस पर्टिकुलर प्रीमियम को माइनस कर देता हूँ तो इतना मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है। यहाँ से और नीचे जाता है, मतलब 10,282.79 के नीचे जाएगा मार्केट, तब जाके मुझे प्रॉफिट होगा। अब यहाँ एक और चीज आप देख सकते हैं कि 10,000 अगर 10,500 का पुट ऑप्शन हम लेते हैं और स्पॉट प्राइस आपका 10,460 है तो इसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो आपका आ जाता है 40 रुपीज का, बाकी जो 221 में 181 का आपका टाइम वैल्यू है। So this way, this is what options. वैसे ही यहाँ पे pay off chart आप देख सकते हो, and for the more detail आप जा सकते हो, already we have discussed this particular concept in on the previous slide, और ये options को आप इस तरह से use कर सकते हो। कई सारी hedging strategy भी बनाई जा सकती है जो कि हम अगले chapter में, अगली slide में discuss करने वाले हैं। The we can say straddle, strangle, steep step, time, calendar spread हो गया या butterfly हो गया, ये सारी strategy हम अगले video में discuss करेंगे। तब तक आप इस पर्टिकुलर वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए। कोई डाउट आता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करिए। कोई भी प्रॉब्लम आया आपको समझने में प्लीज कमेंट बॉक्स में पिन करिए, और मैंने जो बुक अटैच किया है उस बुक के साथ भी आप थोड़ा अपना डिटेल और अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। एंड फर्दर फॉर सच मोर लर्निंग प्लीज मार्केट साथी को सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज इस तरह का प्रैक्टिकल एक्सपोजर के थ्रू मैं जो लर्निंग बता रहा हूँ, आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, आपको हो सकता है आपको बेनिफिट हो, एंड दिस वे नॉट ओनली इन एग्जाम आपको ट्रेडिंग में भी इसका बहुत हेल्प मिल सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल द एंड। Myself Manish Salvi and we, me Gaurav and Siddharth Jain and Aman Gupta, we are working in this particular institution for spreading financial literacy as far as the equity trading is concerned or the option trading is concerned. Thank you very much for watching this video till the end. And last mein ek disclaimer dena chahta hu ki hum koi investment registered investment advisor nahi hai, hum ye sare jo informations aapko de rahe hain ye sare education purpose se hai, to iske basis pe koi bhi information ke basis pe aapko aisa lagta hai ki koi decision lena hai to please apna study zarur kare ya apne advisor se ya kisi research analyst jo ki registered hai market se usse bhi consult kare। Thank you very much.